हसैनकोट वाली क्षेत्र के गांव जाऊ निवासी सत्येंद्र कुमार कैनरा बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से हुई लूटपाट की चोरी का खुलासा करते हुए सिकंदरा राव द्वारा प्रेसवार्ता करते हुए घटना का खुलासा किया गया। इस मौके पर उन्होंने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और जानकारी देते हुए बदमाशों से प्राप्त सखी पोश मशीन, 1,20,000 रुपए नकद, 2 तमंचा, मोटरसाइकिल, 4 कारतूस, 2 खाली खोखे, 315 मोबाइल बरामद, रबड़ की मुहर बरामद की गई। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसओजी टीम और हसैन पुलिस को लगाया गया था। सीओ सिकंदरा राव द्वारा गत सप्ताह रतिका नगला पर कैनरा बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक सत्येंद्र कुमार निवासी जाऊ को उसके गांव जाते समय 3 बदमाशों द्वारा थैला लेकर भाग गए थे, जिसमें 2,40,000 रुपए और ग्राहक सेवा केंद्र में संचालित मशीन रजिस्टर आदि लूट ले गए। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में सीओ सिकंदरा राव के नेतृत्व में घटना का अनावरण किया गया। इस घटना के खुलासा के लिए हसैन पुलिस की टीम के साथ एसओजी हाथरस स्क्वाड टीम प्रभारी को लूट की घटना के खुलासे के लिए नामित किया गया। द्वारा कुछ लूट के साथियों को गिरफ्तार किया गया और माल भी बरामद किया गया। क्या है पूरा मामला और किस थाना क्षेत्र का है? ये थाना हसैन क्षेत्र में दिनांक 6/11 को शाम को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि सत्येंद्र कुमार हैं जाऊ निवासी, ये जन सुविधा केंद्र चलाते हैं रती के नगला। ये शाम को अपनी दुकान कामकाज बंद करके जा रहे थे, तो इनके पास दिन भर के लेन देन के रुपये, ATM, PC सखी का ATM, फिंगरप्रिंट मशीन, लेन देन का रजिस्टर और ये राशन डीलर भी हैं तो स्टॉक रजिस्टर, सैमसंग मोबाइल, ये सब सामान थैले पे लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में जाऊ के पास में इनसे मोटरसाइकिल सवार 2 मोटरसाइकिलों पे 4 व्यक्ति थे, ये थैला छीन के भाग गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। स्थानीय पुलिस और सर्विलांस टीम, SOG सभी ने इसमें अथक प्रयास किए और आज इसका सफल अनावरण किया गया है। लूटे गए रुपयों में से इसमें 1,20,000 नकद बरामद हुए हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 1 सैमसंग मोबाइल लूटा गया वो बरामद हुआ है, ATM, BC सखी और फिंगरप्रिंट मशीन आदि तमाम जो इनकी लूटी हुई चीज़ें थी वो बरामद हुई हैं। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, अरविंद, शीलेंद्र और जोगेंद्र। 1 अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।